छिछगढ़ अध्यक्ष पद के लिए सपा से नीलोफर ने कराया नामांकन। सभी 15 वार्ड के सभासद प्रत्याशियों ने भी कराया नामांकन। मीरगंज नगर पंचायत छिछगढ़ अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी के नेता एवं पूर्व चेयरमैन हाजी गुड्डू ने अपनी पत्नी नीलोफर व अन्य सभी 15 वार्ड के सभा सदस्यों के साथ बुधवार को राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज नामांकन केंद्र पर नामांकन कराया। बिना लाव लश्कर एवं सादगी के साथ अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अपनी पत्नी नीलोफर व समस्त 15 वार्डों के सभासद पद के प्रत्याशियों व उनके प्रस्तावकों को साथ लेकर राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज नामांकन केंद्र पर दाखिल किए। हाजी गुड्डू ने कहा कि मतदाताओं को उनको मिलने वाला स्नेह प्यार ही उनकी जीत का आधार बनेगा। उन्होंने बताया कि उनके पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए हैं वह जनता के सामने हैं। नगर पंचायत मीरगंज से अध्यक्ष पद के 5 सदस्य पद के 10, नगर पंचायत छिछगढ़ अध्यक्ष पद पर 2 सदस्य पद पर 2, नगर पंचायत शाही अध्यक्ष पद पर 14 सदस्य पद पर 23, फतेहगंज पश्चिमी अध्यक्ष पद पर 4 सदस्य पद के 19 नामांकन पत्र खरीदे गए। इसके अलावा मीरगंज सदस्य पद पर 3, छिछगढ़ अध्यक्ष पद पर 1 सदस्य पद पर 17, नगर पंचायत शाही में सदस्य पद पर 23, नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी से सदस्य पद पर 19 नामांकन दाखिल किए गए। SDM उदय पवार, तहसीलदार अनिल कुमार यादव ने सभी स्थलों पर जाकर निरीक्षण किया। किस किस न्याय पंचायत से कौन कौन चेयरमैन पद का सपा के प्रत्याशी हुआ? मीरगंज विधानसभा 4 नगर पंचायत है, जिसमें आज हमारे 3 नए नगर पंचायतों के लिए आवेदन जो हुए थे उनके लिए आज घोषित भी कर दिया गया। आपका शीशगढ़, मीरगंज और फतेहगढ़ पश्चिम। अच्छा, मीरगंज से कौन? मीरगंज से आपकी हेनम खानम। अच्छा, और हमारी पार्टी ने चारों नगर पंचायतों में 3 पर महिलाओं को उतारा है, जिसमें मीरगंज महिला और फतेहगंज भी महिला। नया अंसारी का है तो फतेहगढ़ पश्चिमी। अच्छा, और आपके शीशगढ़ में नीलो पर जो अंसारी का आदर्श है, बैग बैठ को दिया। ये समान सीट में महिलाओं को लड़ाया गया है, क्योंकि आधी आबादी जब महिलाओं की है तो समाजवादी पार्टी ने आधी आबादी ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिया। 4 में 3 हमने महिलाओं को टिकट दिया है मीरगंज विधानसभा। तो इसका मतलब है मीरगंज, फतेहगंज पश्चिमी और शीशगढ़ जी, इन तीनों का निर्णय हो चुका है, अभी शाही बाकी है। हाँ, शाही बाकी, शाही में अभी फैसला हुआ है। शाम तक जो भी जीतने वाला होगा उसे टिकट दिया जाएगा, चाहे कोई भी जिताऊ प्रत्याशी। जिताऊ प्रत्याशी तो और ये तीनों जो टिकट दिए गए जिताऊ प्रत्याशी, तीनों जीतेंगे भारी मतों से और जीत के आएंगे तीनों लोग। अभी किसी पार्टी ने महिलाओं को नहीं दिया है, मगर समाजवादी पार्टी ने 3 महिलाओं को टिकट दिया। 4 सभासदों को भी टिकट दे रही पार्टी। हाँ, सभासद टिकट दे रही लगातार। हमारे शीशगढ़ में आज 15 सभासद जो यहाँ फार्म भर रहे हैं, उन्हें 15 लोगों की समाजवादी पार्टी के संबल दिए गए और सभी लोग समाजवादी पार्टी के संबल पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। थैंक यू।